नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भारतीय रेल से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हाँ, पटना से जम्मू तवी जा रही ट्रेन संख्या 1235 56 अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन बोगिया से हुई अलग। 3 किलोमीटर तक दौड़ता रहा ट्रेन, इसके बाद जो हुआ वो देखकर और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 1235 56 अर्चना एक्सप्रेस जो पटना से जम्मू तवी जा रही थी, तभी सरहिंद जंक्शन पर गाड़ी का इंजन बदला गया और इसके बाद खन्ना स्टेशन के पास इंजन बोगियों से अलग हो जाते हैं और करीब 3 किलोमीटर तक अकेला ही बिना इंजन के ट्रेन दौड़ता रहा। यह हादसा 5 मई 2024 की बताई जा रही है, जिसके बाद ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैकमैन ने शोर मचाकर ट्रेन के लोको पायलट को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ड्राइवर इंजन वापस लेकर आया और फिर उसे ट्रेन से जोड़ा गया। इस हादसे से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप का माहौल बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉक्स और इंजन के बीच का क्लैंप टूट गया था, जिससे इंजन बोगी से अलग हो गया। रेलवे फिलहाल इसकी जांच कर रहा है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है और इस घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन अर्चना एक्सप्रेस जो पटना से जम्मू तवी जा रही थी, तभी सरहिंद जंक्शन पर गाड़ी का इंजन बदला गया और खन्ना में इंजन खुल जाता है और काफ़ी आगे तक चला जाता है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी भी रेल यात्रियों की जान नहीं जाती है, सभी रेल यात्री सुरक्षित पाए जाते हैं, नहीं तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था। बाकी इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।